हाय, वेरी गुड इवनिंग। सो भाई, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि CA, CS, CMA है ना। हम ऐसा शाम से सुन रहे हैं कि कोई अगर CA है, CS है, CMA है, तो डेट इज इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएशन। मतलब आप अपने आप को मास्टर बोल सकते हो। नो डाउट आप मास्टर पहले से थे बीइंग अ CA, CS, CMA, बट अब अपने आप को ऑफिशियल भी मास्टर बोल सकते हो। सो मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मैं अपने प्रोफाइल में ना पोस्ट ग्रेजुएट ब्रैकेट में 4 लिख दूंगा, क्योंकि CA, CS, CMA तीनों का एक एक हो गया और MCOM का एक हो गया। यहाँ पे एक बात है जो बहुत ज़रूरी है, फॉर दिस रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। अपने को ये पता है, अपने सब जगह से सुन रहे हैं कि बीइंग अ CA और CS और CMA वी आर इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट। वेट, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखना। देखो, दिस इज़ दी ऑफिशियल लेटर UGC के लेटर हेड पे, राइट, जिसमें उन्होंने अप्रूवल दिया। इसकी हेडिंग पढ़ो, आराम से पढ़ो, राइट। सब्जेक्ट क्या है? टू कंसीडर CA और CS और ICWA क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू PG डिग्री फॉर अपियरिंग इन UGC नेट। आई एम रीडिंग इट अगेन। टू कंसीडर CA, CS, ICWA क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉर अपियरिंग इन UGC नेट। नेट क्या होता है? That is National Eligibility Test, है ना। अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो तो पहले आपको NET क्लियर करना होता है, उसके बाद यू कैन अप्लाई इन सम कॉलेज जिससे आप प्रोफेसर बन सकते हो। मैंने नेट क्लियर किया है, ठीक है, फॉर्चुनेटली टच विद योर गुड विशेस। तो मैंने जब नेट क्लियर किया था तो मेरे को MCOM के थ्रू करना पड़ा था, क्योंकि उस समय ये नहीं था। लेकिन आज के दिन अगर आप कॉलेज में प्रोफेसर बनना चाहते हो और आपको NET का एग्ज़ाम देना है, तो आपको MCOM नहीं करना पड़ेगा। अगर आप CA, CS या CMA हो तो आप डायरेक्टली NET का एग्ज़ाम दे सकते हो। दिस डजेंट नेसेसरी मीन कि अगर आप CA, CS, CMA हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्योंकि दिस ऑर्डर इज वेरी स्पेसिफिक। ये जनरिक ऑर्डर नहीं है कि आप CA हो गए तो आप MCOM हो या आप पोस्ट ग्रेजुएट हो। दिस इज स्पेसिफिक कि आप NET का एग्ज़ाम अगर देना चाहते हो तो उस पर्पज़ के लिए आपका क्वालिफिकेशन को इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट माना जाएगा, है ना। तो होप दिस क्लैरिफाइज दी मैटर। अभी ये जनरिक होगा या नहीं होगा या इंटरप्रिटेशन इशू है, इस पर UGC विल अपडेट, राइट। फॉर द टाइमिंग दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर, आप रीड भी कर सकते हो। टू कंसिडर CA और CS और ICWA क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू PG डिग्री फॉर अपियरिंग इन UGC नेट, फाइन। तो मैं लेटर रीड भी कर देता हूँ। देखो इसमें क्या है, UGC हैज रिसीव्ड रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, राइट, ये सारी बातें लिखी हुई है। टू कंसिडर इस कमेटी बनी थी, कमेटी की 550th मीटिंग में ये डिसाइड किया गया था कि भाई CA, CS, CWA क्वालिफिकेशन को PG के इक्विवेलेंट माना जाएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है, द मेन थिंग इज आप सब्जेक्ट में रीड कर सकते हो कि UGC NET का अपियर करने के लिए ये सारा बात है, फाइन। तो अभी अपने को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, देर इज़ नो क्लैरिटी ऑन थिंग। क्लैरिटी अभी तो यही है कि अगर अपने को कॉलेज में प्रोफेसर बनना है तो NET का एग्ज़ाम देने के लिए आपको MCOM का डिग्री नहीं चाहिए, आप CA, CS में, तो उससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस क्लैरिफाइज। बाकी इस पर और कोई भी डाउट होगा तो लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन या मेरे को इंस्टा पर मैसेज करना, आई विल डेफिनेटली रिक्वाइट। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।